नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये सस्पेंस बरकरार है और इसीलिए हम कह रहे हैं फंस गए रहे अमेरिका। इस वक्त जो बाइडेन का पलड़ा भारी दिख रहा है, ट्रंप लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। इस बार कोरोना की वजह से करोड़ों वोट मेल और पोस्ट से डाले गए, जिनकी गिनती पिछले कई दिनों से चल रही है। अब तक के नतीजों में बाइडेन जीत के करीब दिख रहे हैं। चार राज्यों में जारी काउंटिंग में तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बीच पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी चुनाव के नतीजों पर टिकी है। सात देशों से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि वहां के लोग, उस मुल्क के लोग किसके पक्ष में हैं, ट्रंप या फिर बाइडेन। दुनिया क्या सोचती है अमेरिका के नए राष्ट्रपति को लेकर। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। खबर यह है कि पेंसिल्वेनिया से लेकर जॉर्जिया, दो अहम स्टेट्स जहां पर बाइडेन ट्रंप से अब आगे निकल गए हैं, जबकि ये दोनों राज्य ट्रंप के गढ़ माने जा रहे थे और माना जा रहा था कि पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में जो होगा उसी से मुकद्दर तय होगा। ऐसे में इन दोनों जगहों पर बाइडेन का आगे निकलना बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। जाहिर तौर पर जो गढ़ रहा है पेंसिल्वेनिया, वहां में पीछे होने के बाद ट्रंप काफी इस बात से नाराज है। फिलाडेल्फिया को बताया धांधली का शहर और इस बीच इस वक्त डेवलपमेंट है, हम आपको बता दें विल्मिंगटन में बाइडेन का जो घर है वो नो फ्लाइंग जोन बन गया है। किस तरह के संकेत इससे मिलते हैं आप समझ रहे होंगे। आपको बताएं जॉर्जिया में कांटे का मुकाबला अभी भी बताया जा रहा है। इसमें जीत हार का फैसला जो फासला है एक तरह से वो बेहद कम हुआ, तो दोबारा वोटों की गिनती होगी। उधर पेंसिल्वेनिया में पिछड़ने के बाद ट्रंप बुरी तरह से तिलमिलाए हुए हैं। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया पर निशाना साधा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि फिलाडेल्फिया का चुनावी धांधली का इतिहास रहा है। This is a case where they're trying to steal an election. They're trying to rig an election. And we can't let that happen. Each ballot must be counted. And that's what we're going to see going through now. And that's how it should be. Trump चुनाव में धांधली के आरोप लगा रहे हैं, वहीं बाइडेन जीत को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन अमेरिका में 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव के 3 दिन बाद भी तस्वीर साफ नहीं है। अमेरिका किसका होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इसकी एक वजह यह है कि कोरोना के चलते अमेरिका में करोड़ों लोगों ने पोस्टल बैलेट से वोट दिया है। उनकी गिनती में काफी वक्त लग रहा है। चार राज्यों में अभी भी मतों की गिनती जारी है। ये राज्य ही अगला राष्ट्रपति तय करेंगे। पेंसिल्वेनिया जहाँ 20 इलेक्टोरल वोट है, जॉर्जिया जहाँ 16 इलेक्टोरल वोट है, वहाँ दोनों में कड़ी टक्कर है। नॉर्थ कैरोलिना जहां 15 इलेक्टोरल वोट हैं और एरिजोना जहां 11 इलेक्टोरल वोट हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले जो बाइडेन 270 इलेक्टोरल वोट के जादुई आंकड़े के करीब हैं। वहीं ट्रंप को इन चार राज्यों में जीत दर्ज करना जरूरी है, जो बेहद मुश्किल दिख रहा है। इस बीच ट्रंप की टीम ने कई राज्यों में मुकदमेबाजी शुरू कर दी है। ट्रंप की टीम ने 6 राज्यों में मुकदमा कर दिया है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सबसे ताजा मुकदमा नेवाडा में दर्ज कराया गया है। ट्रंप मिशिगन और जॉर्जिया में पहले ही मुकदमा हार चुके हैं। वहीं पेंसिल्वेनिया में दायर केस में कोर्ट ने आदेश दिया है कि बैलेट काउंटिंग के प्रक्रिया को देखने का डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को बराबर मौका दिया जाएगा। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डेमोक्रेट्स पर धांधली का आरोप लगाया। वहीं बाइडेन ने सबसे पुराने लोकतंत्र पर भरोसा जताया। In Pennsylvania, Democrats have gone to the state Supreme Court to try and ban our election observers, and very strongly. Now, we won the case, but they're going forward. They don't want anybody in there. They don't want anybody watching them as they count the ballots. Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. But that patience has been rewarded now for more than 240 years. The system of governance that's been the envy of the world. And we continue to feel, Senator and I, we continue to feel very good about where things stand. डोनाल्ड ट्रंप ने सबूत दिए बगैर चुनाव प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाए
तो अमेरिका के कई टीवी चैनलों ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही दिखाना बंद कर दिया। इन चैनलों ने अपने दर्शकों से कहा कि राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक भी ट्रंप के बयानों पर ऐसी ही कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं। दूसरी तरफ चुनाव में धांधली के आरोपों पर ट्रंप अपनी रिपब्लिकन पार्टी में भी अकेले पड़ गए हैं। उनके बयानों का विरोध हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेट मिट रोमनी ने ट्वीट किया, ट्रंप से सहमत नहीं रिपब्लिकन पार्टी, किसी गड़बड़ की आशंका है तो उसकी जांच होगी और कोर्ट उसका हल निकालेंगे। लोकतंत्र और अपने देश के लोगों पर विश्वास होना चाहिए। इन सब के बीच बाइडेन जहां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, वहीं ऐसे संकेत हैं कि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आज तक तो फिलहाल आपको बता दें, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया गढ़ माना जाते थे, खास तौर पर पेंसिल्वेनिया, और वहां पर अब बाइडेन का आगे हो जाना बहुत बड़ा संकेत। ट्रंप के मुकदमों में फंसा क्या फैसला, क्योंकि ट्रंप ने 6 राज्यों में केस कर दिया है। वो धांधली का संगीन आरोप लगा रहे हैं, काउंटिंग में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। नेवाडा में नया केस उन्होंने दर्ज कराया है, और अब क्या ये कोर्ट के मामले में ये चुनाव के नतीजे फंसेंगे? पेंसिल्वेनिया में केस जीते हैं और मिशिगन में केस हारे हैं। ट्रंप के मुकदमों में किस तरह से ये फैसला फंसा हुआ है वो हम आपको बानगी दे रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स के मुताबिक क्या हो रहा है, जॉर्जिया में केस हारे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेट्स को लेकर उनकी जो तमाम दिक्कतें हैं और जो व्यू पॉइंट है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब तो ये कि क्या खुद जो रिपब्लिकन्स हैं वो उनके साथ नहीं है। अब आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्या इसका असर होगा पूरे विश्व पर, तमाम मुल्कों पर, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए हमने तमाम अलग अलग देशों से अपने साथ तमाम मेहमानों को जोड़ा है। अजय जैन भुटोरिया साहब हमारे साथ मेंबर हैं नेशनल फाइनेंस कमेटी के, और आप लीडरशिप जो कि बाइडेन टीम के लिए। पुनीत अहलूवालिया कैंडिडेट हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्जीनिया के लिए, रिपब्लिकन है। डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ बोर्ड मेंबर अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स। रामेश्वर सिंह रशियन जर्नलिस्ट है, प्रेसिडेंट रशियन इंडियन फ्रेंडशिप सोसाइटी के। ललित के झा जर्नलिस्ट है, वॉशिंगटन डीसी से जुड़ रहे हैं। मोना आलम हमारे साथ पत्रकार जुड़ रही हैं सीधा पाकिस्तान से, और रही सिंह हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ललित के झा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, शुरुआत करना चाहती हूँ। जो भारतीय देख रहे हैं इस इलेक्शन को, फॉलो कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में कर रहे हैं, सब जानना चाह रहे हैं ट्रंप वर्सेस बाइडेन ये लड़ाई कहाँ जा रही है और किस तरह से जा रही है। लेकिन झा साहब शायद हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, तो मैं सबसे पहले आपके साथ अहलूवालिया जी शुरुआत करना चाहती हूँ। ये जो एक के बाद एक कोर्ट में अब मामला फंसता हुआ दिख रहा है, उसको किस तरह से समझे पूरा विश्व? कैसे अमेरिका जैसे मुल्क का एक फैसला चुनावों का इस तरह से कोर्ट के दरवाजे से अब उसका फैसला आएगा, और रिपब्लिकन पार्टी तमाम पूरा अमेरिका उसे किस तरह से देख रहा है? पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि देयर इज एक डिसअपॉइंटमेंट थी डेमोक्रेटिक पार्टी में जब प्रेसिडेंट ट्रंप जीते थे, हिलरी को हराया था, और तब से ही आप देखें पूरी प्रेस और जो हाईटेक है और जो बिग बिजनेस वाले हैं और वॉल स्ट्रीट है, हैव बीन एंटी ट्रंप, क्योंकि ही वांट्स टू चेंज द एंटायर डायनामिक्स इन फेवर ऑफ अमेरिकन पीपल। और ये है कि इट्स इज लाइक अ इनसाइड माफिया। तो इन्होंने क्या किया है कि टू फाइंड अ वे टू अंडरमाइन प्रेसिडेंट ट्रंप। And I have to say one thing, ki jab Pennsylvania, which is a playground and a battleground state, aur wahan pe issues hue, there are discrepancies, aur abhi ek press conference khatam hui hai aur ek aur hone wali hai, jisme bilkul clearly jahan pe irregularities hai, jahan pe vote compromise hua hai, jahan pe eligible voters ke voton ko feka gaya hai aur ineligible logon ne vote kiya hai, uske sare jo case ke evidence hai wo aayenge samne, और उसी के बेसिस पे द केस विल बी फाइल्ड। आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड कि पूरा वर्ल्ड देख रहा है, बट इसी इम्पोर्टेंट से एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जो हर एक अमेरिकन सिटीजन ने जो वोट किया, जो हमने अपने पैशनेटली किया, और जो भी डिसीजन आएगा कोर्ट का, वो इट्स इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर अमेरिकन पीपल, फॉर आर डेमोक्रेसी एंड फॉर द वर्ल्ड। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक काउंटर क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि विश्व के सबसे पुराने डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अमेरिकन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, या इस बार ही सिर्फ धांधली हो रही है, क्या है? मतलब 1 2 3
ये जो प्रॉक्सी वोट्स की आप बात कर रहे हैं, ये कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, सिस्टमैटिकली हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है, किन स्टेट्स में? अब क्योंकि अब तो तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आप केस दर्ज करा रही है आपकी पार्टी या फिर ट्रंप। मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारा जो सिस्टम है जहाँ पे हर स्टेट के अपने डिफरेंट लॉज होते हैं और हर एक काउंटीज के अपने डिफरेंट लॉ होते हैं और हर एक काउंटीज आर कंट्रोल्ड ईदर बाय डेमोक्रेट्स और बाय रिपब्लिकन्स, और जहाँ पे ये डेमोक्रेटिक काउंटीज है उनका कंट्रोल है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नरशिप है वहाँ पे लॉज को एक्सपैंड और एक्सटेंड किया गया है और लास्ट मिनट डिसीजन लिए गए टू बेसिकली गेट द वोट्स विच शुड नॉट have been done, जिससे ये discrepancies आ रही है और उसके बावजूद जब भी, अब जैसे I'll give you an example, अगर आपके पास democratic state है और वहाँ पे धांधलेबाजी हुई है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट करते हो, पुलिस किसको रिपोर्ट करेगी? पुलिस रिपोर्ट करेगी प्रोसिक्यूटर को जो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, अगर अगर गवर्नर और या अटॉर्नी जनरल के पास जाता है, अटॉर्नी जनरल कौन सा आपका डेमोक्रेट है, दे विल फाइंड एक्सक्यूजेस टू डिले द प्रोसेस एंड मिनिमाइज the light that needs to be shed on that problem and the issue. Uski bawajood ho rahi, I believe this is healthy for any democracy to check have balances. Aur sabse badi cheez hai, agar democrats ko itna hi confidence hai to wo khud kyun nahi kehte ha ye process transparent hona chahiye aur sabko aage aake dekhna chahiye ki ye sahi ho raha hai. It is not only iska jawab Bhutoria sahab se lenge. Bhutoria sahab, वो कह रहे हैं कि आप खुद सामने आकर ट्रांसपेरेंसी की बात क्यों नहीं करते, जांच होनी चाहिए, सच पता चलना चाहिए, एक शक की गुंजाइश इतने बड़े चुनाव में नहीं हो सकती जहां स्टेक्स इतने हाई हैं। देखिए अंजना जी, 100 बार एक झूठ बोलने से वो फिर भी झूठ ही रहेगा, सच नहीं होगा। ये बेसलेस एलिगेशन है, ट्रंप अपने आप को विक्टिम साबित करना चाहता है कि भाई मैं क्यों हारा, ये सब कहानियां हैं, वो चलती रहेगी, कोई बात नहीं है। अमेरिका इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री, उनका इलेक्शन प्रोसेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड और हमारे थाउजेंड्स ऑफ पोल वर्कर जो इस वक्त काम कर रहे हैं रात दिन, हम वी बिलीव इन देम, वी ट्रस्ट इन देम एंड द प्रोसेस इज कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट और सब कुछ साफ है। जॉर्जिया जो रिपब्लिकन गवर्नर है, रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल है, रिपब्लिकन अगर इनकी जो बात है सब कुछ रिपब्लिकन है वहाँ पे, अभी जॉर्जिया में भी ये एकदम क्लोज हो गया और हो सकता है आगे वोटों की गिनती हो तो बाइडेन वहां जीत जाए, वो भी हमें वेट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपको टोकते हुए एक काउंटर क्वेश्चन है, ये जो प्रॉक्सी वोट्स का आरोप बार बार लग रहा है, मेल इन बैलेट्स, इस पर आपका क्या जवाब है ठोस? क्योंकि देखिए आपने कहा कि उनके बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इस वक्त पूरे विश्व में अमेरिका के चुनाव और जिस तरह से नतीजे काउंट हो रहे हैं उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ये अमेरिका में ऐसा हो ये अपने आप में लोगों को अचरज में डाल रहा है, किसी दूसरे मुल्क में होता सर तो अभी सारे अमेरिकन खड़े होकर बताने लगते कि देखिए वहां पर ठीक से फेयर इलेक्शन होने चाहिए थे, फेयर काउंटिंग होनी चाहिए थी। एंड और इस बार ये है कि अमेरिका स्क्रूटनी में है, पूरा विश्व आपको देख रहा है, क्यों ये स्थिति क्यों बनी? नहीं, सही बात है, इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो पूरा विश्व देख रहा है, वो सही बात है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके ही अभी मीडिया में आप टीवी में कहा था कि सारी रिपब्लिकन, मिच मैकोनल ने कहा कि ऐसा कोई भी रिपब्लिकन लीडरशिप अभी ट्रंप के साथ में नहीं खड़ी है, उनके झूठे मनगढ़ंत कहानियों के साथ नहीं खड़ी है। उन्होंने ये काउंटिंग हो और उसके बाद में अगर कोई भी ऐसा पाया जाता है तो कोर्ट में जाएं, एविडेंस दें एंड कोर्ट विल टेक द स्टेट कोर्ट विल टेक द एक्शन, अगर स्टेट कोर्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, देयर इज अ प्रोसेस एंड द कंट्री इज वर्किंग थ्रू द प्रोसेस। और जो मेल इन बैलेट की आपकी बात की क्वेश्चन है कि दो तरीके के वोट दे सकते हैं अमेरिकन लोग, एक है कि अगर आप मेल इन बैलेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक टाइमलाइन होती है, डेडलाइन होती है, मेल इन बैलेट आपके घर आएगा, ये हर बैलेट पे आपका एक नंबर होता है, आपका नाम होता है, आप उस मेल इन बैलेट करेंगे और एक डेडलाइन होती है, बाय दिस डेडलाइन आपको वोट करना है और बाय दिस डेडलाइन उस हर स्टेट के हिसाब से उसको रिसीव करना है और फिर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो डेडलाइन के बाहर होता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो तो फुल प्रूफ मेथड बता रहे हैं, बैलेट नंबर से लेकर एक एक आदमी की पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, पुनीत जी फिर कैसे ये जो शक आप लोग जाहिर कर रहे हैं, ये तो मनगढ़ंत कहानी है, इसका क्या जवाब है, ये तो बोलते रहेंगे क्या? एक छोटा सा रिस्पॉन्स फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। पहली चीज तो ये जो कह रहे थे कि ट्रंप साहब के साथ, ट्रंप प्रेसिडेंट के साथ नहीं खड़े हुए, निकी हेली ने भी ट्वीट किया, सेनेटर कॉटन ने भी ट्वीट किया टू सपोर्ट एंड हैव द ट्रांसपेरेंसी एंड द एविडेंस विल बी प्रोड्यूस्ड। मैडम इसमें ये नहीं कि ऐसे मनगढ़ंत करानी है, मुझे खुद पता है, मेरा खुद एक फ्रेंड जो कांग्रेसमैन के लिए खड़ा हुआ था वहां पे आपके बैलेट्स आए हैं, मोर बैलेट्स हैव बीन मेल्ड इन देन दे वर सेंट आउट और उसके बावजूद 7,000 और बैलेट्स थे जो अभी काउंट होने थे। सर ये मैन्युफैक्चर्ड बैलेट्स कहां से आए, हम क्या झूठ बोल रहे हैं?
और पर ये काउंटी जो है इट्स बीन कंट्रोल्ड बाय द डेमोक्रेट, द स्टेट इज कंट्रोल्ड बाय द डेमोक्रेट एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. और रही जहां पे रिपब्लिकन गवर्नरशिप या वहां पे रिपब्लिकन लीडरशिप, जैसे जॉर्जिया की बात कर रहे हैं, पर जो आपके अर्बन एरिया ऐसा है वहां पे डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, उनकी काउंटीज बड़ी है पर वहां पे डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, तो उन्होंने सारे सिस्टम चेंज किए हुए. तो प्लीज लेट द एविडेंस, लेट द एविडेंस स्पीक फॉर इटसेल्फ. और जहाँ जीत रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम नहीं है. आपको एक चीज याद दिला दूं, 2016 में जब ट्रंप जीत गए थे और पॉपुलर वोट हार गए थे, उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज जीत गए थे लेकिन पॉपुलर वोट हार गए थे हिलेरी के पास, तो उन्होंने कमीशन बिठाया था और कमीशन बिठाने के बाद में उन्होंने कहा था कि जांच हो कि मैं ये 3 मिलियन पॉपुलर या अराउंड दैट नंबर कैसे हार गया. जांच हुई, सब कुछ सही था. उन्होंने कहा ये धांधलेबाजी है, सब कुछ है. उनकी गवर्नमेंट ने उनको कमीशन बिठाया, पूरी जांच की और सब कुछ सही था. हमारा सिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग है, हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग है और ये बेसलेस एलिगेशन कुछ दिन और चलेंगे, खत्म हो जाएंगे. तो सर आप फिर परेशान क्यों हो रहे हो सर? फिर व्हाई आर द मीडिया कटिंग ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप इन द मिडल ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस? सर यू डेलिबरेटली वांट दिस. सर भटूरिया साहब आप बोलो या मैं बोलूं? सर यू डेलिबरेटली वांट दिस प्रोसेस. हिंदी में ये डेलिबरेटली चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इतना हमारे जो पूरी मोटिवेटेड बेस है उसको डिप्रेस कर दे. तभी से ये पहले से इन्होंने ब्लू वेव आ रही है, पोल जीत रहे हैं और सोशल मीडिया पे उनकी ट्वीट्स ब्लॉक कर रहे हैं और हर एक CNN MSNBC इनकी भाषा बोल रहा है कि नहीं जी वो हार गए, वो हार जाएंगे. कहाँ निकला? कहीं नहीं हारे. और ये एक एक मैनिपुलेशन हो रही है जो जिसको हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंटली करें. हमारा साहब जैन साहब एक ही है, लेट द डेमोक्रेसी प्ले आउट. और हमारी आप भी कहेंगे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. अगर अगर एविडेंस नहीं होगा तो हम हार जाएंगे. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट पेंस विल बिकम प्रेसिडेंट. ठीक है, मैं आ रही हूं. अब थोड़े आप परेशान ज्यादा लग रहे हैं पुनीत जी और अजय जी, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुस्कुराते रहें. ठीक है, नहीं मैं थोड़ा इरिटेटेड हूँ क्योंकि जब आप भी तो अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी के साथ खड़े हो ना आप भी. अल्ताफ साहब आपकी मुस्कुराहट की कोई खास वजह दोहा से कैसे देख रहे हैं आप? जल्दी जल्दी सबसे रिस्पांस लेते हैं हर कंट्री से. नहीं, ये इलेक्शन जो है दिस इज क्वाइट अम्यूजिंग, लेकिन जहां मैं हूँ मिडल ईस्ट दोहा कतर, इसमें हम मुझे लग रहा है ये सबसे ज्यादा असर पड़ेगा. अदरवाइज ग्लोबल पॉलिसी अगर देखा जाएगा तो ट्रेडिशनल अमेरिकन पॉलिसी में खास कुछ फर्क नहीं है, लेकिन मिडल ईस्ट के लिए ट्रंप का जो इलेक्शन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस, सबसे ज्यादा और इफेक्टिव कंट्रोल ओवर ईरान जो था, ये इलाके के लिए बहुत ही डिफरेंस पड़ेगा. इसमें कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना स्ट्रांग नहीं था दो चीज को लेकर के, एक तो ईरानियन पॉलिसी, सेकेंडली अबाउट पैलेस्टीनियन पॉलिसी जो टू स्टेट सॉल्यूशन है और शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल टू फ्रॉम तेल अवीव टू जेरूसलम. ये दो चीज है दैट मेक्स ट्रंप वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स. सो आई थिंक दिस एरिया वेयर आई एम फ्रॉम दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट. बहुत ज्यादा इसमें दिलचस्पी है लोगों का इस इलेक्शन के बारे में. ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगी इसके बाद. फॉरन रामेश्वर सिंह साहब हमारे साथ मॉस्को से सीधा जुड़ रहे हैं, मोना आलम पाकिस्तान से, रईस सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लवीना हमारी सहयोगी लंदन से हमारे साथ जुड़ रही हैं. लवीना आपके पास भी आऊंगी ये जानने के लिए कि बाइडेन या ट्रंप, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं. अभी भी परिस्थिति साफ नहीं है, लेकिन पेनिसिल्वेनिया में एक बड़ा लीड मिलने के बाद बाइडेन के लिए रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है, इतना ही कहा जा सकता. तो फंस गए रहे अमेरिका और अमेरिका फंसा तो तमाम मुल्कों की नजर उस पर है. कैसे? एक तो ये नतीजे लगातार लंबे हो रहे हैं, नतीजा सामने नहीं आ रहा है. अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो हर मुल्क क्या चाहता है, बाइडेन वर्सेस ट्रंप कौन है पसंद. चीन के साथ शुरुआत, इस पे हालांकि बटी हुई राय हो सकती है लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कोई भी हो, क्योंकि ट्रंप भी उनके खिलाफ बोलते रहे, बाइडेन भी हो गए और ट्रंप ने कभी ये भी लिख दिया था कि शी जिनपिंग मेरे दोस्त है. इसराइल ट्रंप को चाहेगा. ट्रंप की जो नीति रही है इसराइल को लेकर, जिस तरह से उन्होंने अपना सपोर्ट रखा है, इधर ग्रेट ब्रिटेन फिर उन मुल्कों में शामिल जो बहुत ज्यादा, जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति होगा उससे वो रिश्ते अपने अच्छे कर लेंगे. फ्रांस का भी लगभग यही रवैया है, लेकिन सभी यूरोपीय देशों में नहीं है. जर्मनी देखिए, जर्मनी बाइडेन ये बिल्कुल साफ है अब जो वहां पर व्यवस्था है उसको लेकर कि वो पसंद करेंगे बाइडेन. ऑस्ट्रेलिया कोई भी, फिर एक ऐसा मुल्क जिसका जो भी राष्ट्रपति बनेगा उससे वो अपने रिश्ते को आगे ले जाएंगे. जापान को भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई क्लियर चॉइस नहीं है. लेकिन रूस
और ट्रंप को लेकर वैसे भी कई आरोप पहले भी लगे थे, लेकिन रूस के लिए ट्रंप क्लियर चॉइस है। ईरान बाइडेन, आप इसराइल ईरान के रिश्ते समझ रहे होंगे इसीलिए वहां पर वो फर्क है। इराक बाइडेन, सऊदी अरब ट्रंप, सऊदी अरब के लिए ट्रंप महत्वपूर्ण है। तो ये है वो हमने आपको दिखाया। आप इधर आ जाइए, साउथ अमेरिका ब्राजील में ट्रंप, तो ऐसे जब देशों को आप देखते हैं, टर्की भी ट्रंप को राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहेगा, संयुक्त अरब अमीरात वो भी ट्रंप। तो अलग अलग मुल्कों की जो पसंद है नीतियों के हिसाब से आप देखिए, रिपब्लिकन को पसंद करने वाले, ट्रंप को पसंद करने वाले जो मुल्क है, मेक्सिको बाइडेन। मेक्सिको आपको याद होगा वो दीवार जिसको बताने की बात की थी ट्रंप ने, इसीलिए ये आप उनका नजरिया भी समझ सकते हैं। एक ब्रेक के लिए लेकिन मुझे फिर से रुकना पड़ रहा है, हालांकि इतने सारे हमारे स्टीम पैनल है अलग अलग मुल्कों से, उनसे बहुत सारी बातें जाननी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे, देखते रहिए अमेरिकी चुनावों पर 6 देशों से ये विशेष पेशकश, देखते रहे। फंस गए रहे अमेरिका, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं बटा हुआ है फिलहाल चुनावी नतीजों को लेकर, तमाम जो मुल्क है पूरे विश्व में वो अपने अपने तरीके से नतीजों को देख रहे हैं, दोनों शख्सियतों को देख रहे हैं, ट्रंप वर्सेस बाइडेन। इसीलिए हमने आपको पहले बताया कि कौन सा मुल्क क्या सोच रखता है। लवीना मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले एक बार रशिया से जरा सीधा मॉस्को लिए चलते हैं। रामेश्वर जी, रूस और ट्रंप और अमेरिकी चुनाव, तमाम विवाद इसको लेकर पहले भी आते रहे हैं, इस बार जब यह चुनाव हो रहा है रूस किस तरह से देख रहा है और क्या वाकई ट्रंप क्लियर चॉइस है रशियन एस्टैब्लिशमेंट के लिए, पुतिन के लिए? जी अंजना जी, अगर आप देखें कि रूस के लिए ट्रंप बिल्कुल नहीं है बट प्रेडिक्टेबल है, वो देख रहे हैं आज 4 साल में उन्होंने क्या किया। अगर आप देखेंगे, अगर आप कहना चाहती हैं कि ट्रंप उनके चहेते हैं, तो उन्होंने 46 टाइम जो है इन्होंने सैंक्शन लगाया रशिया पर। तो आप ये देखें कि जो आज हमारे जो प्रेसिडेंट है पुतिन जी ने ऑलरेडी एक बयान दे चुके हैं, जो भी जिसको भी जनता चुन के लेके आएगी हम उसके साथ काम करेंगे, हम उसके साथ काम करेंगे, चाहे वो ट्रंप आएंगे चाहे वो बाइडेन है। तो अमेरिकन जनता का वो है, वो प्रेसिडेंट है जो करेगा, उनको उनके साथ काम करना होगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई इसमें एक प्रेसिडेंट ज्यादा सुटेबल हो, ज्यादा कंफर्टेबल हो, लेकिन वो फिर वो चीजें खत्म हो जाती हैं जब जनता चुन के लाती है किसी बाइडेन को या ट्रंप को, तो पूरी दुनिया उनके साथ काम करेगी। बिल्कुल, नहीं रामेश्वर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चाहे वो रूस हो, चीन हो, भारत हो, कोई भी मुल्क हो, आखिरकार जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसके साथ ही वो काम करेंगे। लेकिन हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी आइडियोलॉजी सबसे ज्यादा अलाइन होती है उस देश के एस्टैब्लिशमेंट के साथ। लवीना, यूके, कोई भी? जी देखिए, यूके और यूएस का खास जो रिश्ता है वो तो कायम करने की कोशिश की ही जाएगी, लेकिन बाइडेन के आने पर बोरिस जॉनसन जो यहाँ के प्रधानमंत्री, उनकी मुसीबतें बढ़ जरूर जाएंगी। क्योंकि बाइडेन एंटी ब्रेक्सिट रहे हैं, ब्रेक्सिट एक ऐसा ऐतिहासिक ट्विस्ट है यूके की ज़िंदगी में, जो उसे बिल्कुल ही छोटा देश वापस बना देगा। एम्पायर अब एक छोटा सा देश होगा जो ट्रेड डील के लिए हर देश के पास जाने वाला है और जा रहा है। तो ट्रंप प्रो ब्रेक्सिट थे और वो बोरिस को पसंद भी करते थे, सबसे बड़ी बात, लेकिन उनके रहते रहते भी, ट्रंप के रहते रहते भी यूके यूएस में कोई डील नहीं हो पाई। फिर भी ये कहा जाता था कि हाँ, कम से कम वो डीन करने के इच्छुक रहेंगे यूके से पहले। बाइडेन अगर आते हैं तो सबसे पहले वो रुख करेंगे बर्लिन की तरफ। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि अगर हार्ड ब्रेक्सिट होता है, जो कि इस वक्त आसार हैं यूके में, तो फिर बाइडेन जो कि आयरिश डिसेंट के हैं और उनके जो प्रेडिसेसर थे बिल क्लिंटन, उन्होंने गुड फ्राइडे अग्रीमेंट में आयरिश जो प्रॉब्लम थी आरे की, उसको शांत करने में अपना खास रोल निभाया था। और ये बाइडेन भी चाहेंगे कि वो करे, और पहले भी कह चुके हैं कि आयरिश, अगर नॉर्दर्न आयरलैंड का जो मसला है ब्रेक्सिट में, वो किस तरफ रुख करता है उस पर ट्रेड डील बहुत निर्भर करेगी। तो एक कैरेट और उसका जो मामला है, ये जरूर ट्रेड डील को नेगोशिएशन के तौर पर बाइडेन जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम कहेंगे कि बोरिस जॉनसन जो अभी कोविड से यहां जूझ रहे हैं, ब्रेक्सिट अगला आने वाला है उसमें ट्रेड डील को लेकर यूएस कि में वो यूरोप से पीछे खड़े हो सकते हैं। यानी बाइडेन अगर आएंगे तो यकीनन
किस तरह से ब्रेक्सिट होता है, हार्ड या सॉफ्ट। हालांकि ट्रंप के आने पर भी कुछ बहुत खास ट्रेड डील नहीं हो पाई थी, फिर भी ऐसा लगता था कि उनके साथ एक रिलेशनशिप बन गया था, वो बोरिस को पसंद करते थे। तो ये मुद्दा सबसे बड़ा होगा यूके के लिए। बिल्कुल, अब आपने लंदन से खड़े होकर पूरे बर्लिन से लेकर आयरलैंड हर जगह की बात समझा दी। कुल मिलाकर देखे बोरिस जॉनसन जो इस वक्त वहां पर है, उनके लिए ट्रंप से एक रिश्ता बनता हुआ दिख रहा था। बहुत कुछ ट्रेड के नजरिए से नहीं हुआ था, लेकिन इसीलिए हमने आपको बताया जर्मनी ये चाहता है एक मुल्क के तौर पर कि बाइडेन आए। उनके लिए ब्रेक्सिट वो पेच है जिस पर इन यूरोपीय देशों का सभी का स्टैंड होगा। अब आपको सीधे लिए चलते हैं मोना आलम के पास, पाकिस्तान। ट्रंप ने तो बहुत मुश्किलें बढ़ा दी थी, बात बात पर कोसते रहते थे पाकिस्तान को मोना, तो जाहिर तौर पर आपके लिए तो पसंद बाइडेन ही होंगे आपके मुल्क के लिए। अंजना, एक्चुअली देखिए मुझे तो लगता है कि बाइडेन ऑलमोस्ट ही इज ऑलमोस्ट देयर। अब ये अलग बात है कि ये सारे स्विंग स्टेट्स तो खैर बाइडेन को फेवर कर रहे हैं और ये सारे अब लीगल अपने ऑप्शंस की तरफ चले गए हैं, तो लेट्स सी वेयर दिस गोज। अमेरिका में ऐसा सब होना और ये रिगिंग की एलिगेशंस पहले से ही ट्रंप साहब ने लगानी शुरू कर दी थी, उन्होंने विक्ट्री भी डिक्लेयर कर दी थी लॉन्ग बिफोर काउंटिंग हैड रीच्ड इट्स मिडवे। तो खैर ये बात अपनी जगह है, लेकिन देखें मैं बताऊं आपको, सिर्फ उस ट्वीट के ऊपर अगर ये इम्प्रेशन लिया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छे ताल्लुक नहीं रखता जो उन्होंने 2017 के शुरू में की थी, तो मुझे लगता है वो इम्प्रेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है डोनाल्ड ट्रंप से। अभी जब वो गए थे तो बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने इवन कश्मीर के बारे में भी कहा था कि वो ही वुड लाइक टू प्ले अ मीडिएटर रोल कश्मीर के मामले पर। और बाइडन की जहां तक बात है वो प्रो मुस्लिम्स हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन स्टांसेस पे अपना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग अपना मौकफ रखते हैं, स्ट्रॉन्ग नैरेटिव अपना रखते हैं। डेमोक्रेट्स का जनरली भी इसी किस्म का होता है, बाइडन हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट नजर आते हैं। एक काउंटर क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं प्रो मुस्लिम्स नजर आते हैं, मतलब आपको अमेरिका जैसे मुल्क के राष्ट्रपति में भी एक मजहब के लिए प्रो सोच चाहिए, ये आपकी आपकी शर्त है किसी को पसंद और नापसंद करने के पीछे? नो अंजना जी, मेरा कहने का मकसद ये था क्योंकि आपको पता है कि ये जो रेसिज्म पे वहां पर जो दंगे हुए हैं अमेरिका में, और जो सुप्रीमिसिस्ट हैं, वाइट सुप्रीमिसिस्ट हैं, फिर उसके साथ उनका ब्लैक्स का जो झगड़ा एक चल रहा था पिछले दिनों, फिर साथ साथ मुस्लिम्स, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत दफा शिकायत की है कि वो मार्जिनलाइज हुए हुए हैं, वो उनके कम्युनिटी में उस तरह का उतना रोल नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ इस सेंस में उनके लिए, इन देयर पर्सपेक्टिव, कि वो क्योंकि ये शिकायतें करते आए हैं और यहाँ पर ये कुछ अग्रीव्ड पार्टीज हैं जो हमें नजर आती हैं, तो उनको क्योंकि दिलासा दे रहे हैं जो बाइडन, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद वो ज्यादा एक उन्होंने पॉपुलर वोट हासिल किया है। ऑल्दो ये कि जो पॉपुलरिज्म की जो वेव थी, जो पॉपुलरिज्म की वेव थी जो 16-17 में चली थी, उसने जितवाया था डोनाल्ड ट्रंप को, इसमें कोई शक नहीं है, और 16 से ज्यादा वोट पड़े हैं इस दफा डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज इन गुड टर्म्स, उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, क्योंकि इमरान खान को भी एक पॉपुलरिज्म या पॉपुलर लीडर तसव्वुर किया जाता है, या पाकिस्तान को अग्रेसिव और फर्स्ट टाइम इनटू प्राइम मिनिस्टरशिप और पहली दफा आए हैं यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी काफी सिमिलैरिटीज हैं इस तरह से, लेकिन जो बाइडन हमें लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक स्विंग स्टेट्स में। ठीक है, जल्दी से रईस सिंह साहब आपसे एक कमेंट, फिर ललित झा भी हमारे साथ जुड़ गए। रईस सिंह साहब, कुल मिलाकर हमने देखा और ये वर्ड बड़ा अटक सा गया, ये जो प्रो मुस्लिम है इसलिए बाइडन पसंद है, क्या ये सोच रहेगी कई सारे इस्लामिक देशों की, और ट्रंप जो कई बार इस्लामिक टेररिज्म पर बोलने से कभी अपने आप को नहीं रोकते थे, खुलकर उसके खिलाफ बोलते थे, वो भी एक वजह बन सकती है पसंद नापसंद की दोनों शख्सियतों के बीच? अंजना जी एकदम आप सही कह रही हैं। आप देखिए, अगर ट्रंप का जो वोकल एक वो था, वो दबाए हुए नहीं रखते थे, वो स्पष्ट तौर पर बोलते थे, और ये ट्रंप का ही टाइम रहा जब आप देखिए पाकिस्तान जो है वो FTA के अंतर्गत आया, पाकिस्तान पे जो कुछ आतंकी गुट हैं उन पे लगा, और ट्रंप ने खुल के पाकिस्तान को वो उस तरह से मदद नहीं दी, चाहे वीपनरी हो या इकोनॉमिकल हो, वो मदद नहीं दी जो पिछले रेजिम में पाकिस्तान को मिल रही थी। और वो दूसरी चीज एक और आप देखिए कि जो पाकिस्तान और चाइना यानी बीजिंग और इस्लामाबाद का जो बॉन्डिंग है, लास्ट में अगर एक दो बयानों को छोड़े खुल के फेवर करते थे, नमस्ते ट्रंप के लिए आए और उन्होंने जिस तरह से इस्लामिक टेररिज्म पर खुलकर बोला हिंदुस्तान,
इसीलिए बाइडेन पाकिस्तान की पसंद बन गए। उसके साथ आप देखिए 2016, 2018 और 2020 ये जो 2+2 की जो वार्ता हुई वो उन्हीं के समय शुरू हुई। हाँ। और 3 फाउंडेशनल हमारे साथ उन्होंने समझौते किए जिससे हमारी सूचना, जिससे हमारी डिफेंस सिस्टम और अपडेशन अपग्रेडेशन दोनों होगा। उन्होंने उनके टाइम पर ही इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का दर्जा अमेरिका ने दिया। और उन्हीं के समय पर हमने इंडो पैसिफिक में क्वाड की एक जो है वो संरचना तैयार की जिसमें 4 कंट्री जो है मिलकर के ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका जो है वो एक मैरीटाइम एक्सेस को जो है वो डेवलप कर रहे हैं ताकि इंडिया आगे चलकर के एक सब कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम पावर के रूप में डेवलप हो। ठीक है, तो ट्रंप का जो रोल रहा है वो खुल के भारत के साथ रहा। MTCR अगर देखें हम उसमें भी उस क्लब में भी पहुंचे तो उसमें उन्होंने सपोर्ट किया। तो हमारे लिए ये लगता है वैसे तो भारत वो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी आए या रिपब्लिकन, हाँ, जो भी लीडर होगा उसके साथ रिश्ता रहेगा और फॉरेन डिप्लोमेसी का ये हिस्सा होता है। ललित के झा हमारे साथ वॉशिंगटन से जुड़ रहे हैं और पत्रकार हैं। ललित जी, 3 बड़े बड़े सवाल है आपके लिए, आप थोड़ा देर से जुड़े। देखिए 3 बड़े सवाल है। सबसे पहला सवाल, ये पूरा विश्व अचरज से देख रहा है कि अमेरिका जैसे देश में ये वोटों की गिनती नहीं खत्म हो रही, ये क्या धांधली चल रही है? ट्रंप साहब धांधली की बात कर रहे हैं, कोर्ट तक मामला जा रहा है। नंबर 1, इस पर आपका टेक जल्दी से। दूसरा, बाइडेन वर्सेस ट्रंप, हिंदुस्तान के नजरिए से हम देखें तो जाहिर तौर पर ट्रंप के साथ जो एक रिश्ता बन गया था, लेकिन बाइडेन भी आएंगे तो ये डिप्लोमेसी का एक हिस्सा होता है। तीसरी अहम बात, ये पूरे विश्व पर क्या असर पड़ेगा? क्या वाकई ये धांधली का आरोप पूरी तरह से खारिज या फिर होगा, या फिर ये एक डिस्प्यूटेड चुनाव की इमेज रह जाएगी इसकी? जी, आपका जो पहला प्रश्न था चुनाव में धांधली और चुनाव के प्रोसेस के बारे में, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये डेमोक्रेसी इन एक्शन आप यहाँ जो देख रहे हैं, डेमोक्रेसी इन एक्शन है। इस कोरोना वायरस के समय में जबकि पूरे देश में लॉकडाउन रहा है, एक अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ पीपल ने अमेरिका में बाहर आके या मेल इन बैलेट के थ्रू अपना वोट का एक्सरसाइज किया। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में 16 करोड़ लोगों ने आके 160 मिलियन लोगों ने आके वोट किया है, जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोटिंग हुई है और जो क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ है, जो नंबर ऑफ वोट्स आप दोनों कैंपेन में ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप के पास गई हैं और वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन के पास जो आई हैं, आप देखेंगे रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोट्स आई, ये क्लोजली कॉन्टेस्टेड रेस रहा है। जी, जहां तक प्रोसेस के बारे में सवाल है, ये मैं पहले भी कह रहा था कि जो भारत ने जो अपना प्रोसेस अडॉप्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, एक पूरे दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया कि किस परफेक्शन के साथ कितनी स्मूथली वो अपनी सारी इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। शायद अमेरिका को अपनी एक डेलीगेशन वहां भेज के सीखनी चाहिए कि प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट करे। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज काफी ज्यादा है, कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन ये है नहीं। कई सारी खामियां हैं वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में इलेक्शन प्रोसेस को तय करने के लिए, वो धीरे धीरे 21st सेंचुरी में एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम शो को अंत करें, एक छोटा सा सवाल मेरे मन में है। देखिए, ये मेल इन बैलेट को लेकर जो शिकायतें लगातार हमारे साथ भुटोरिया साहब थे, अहलूवालिया साहब थे, क्या मेल इन बैलेट्स में इस तरह की धांधली कर पाना मुमकिन है? क्या इंडिविजुअल नंबर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है जो ये शिकायत कर रहे हैं ट्रंप साहब, क्या उसमें गुंजाइश बनती है इसकी? जी जरूर गुंजाइश बनती है, लेकिन इस मास लेवल पे हुआ है कि नहीं हुआ है, दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ये तो कोर्ट के पास गया है, लेट द कोर्ट डिसाइड ऑन टू इट। बट मेल इन बैलेट इज नॉट द परफेक्ट वे टू डू इट, डू द सिस्टम राइट। ठीक है, एक आखिरी सवाल और जल्दी से, लटक गया अभी और 1-2 दिन या फिर कल तक हम उम्मीद रखें क्लियर हो जाएगा? जी, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बाइडेन का इलेक्शन 100% ठीक है, वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होने वाले हैं, ट्रंप अभी तक उन्होंने कंसीड नहीं किया इलेक्शंस को। ठीक है, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तक पर। अलग अलग मुल्कों में सब है, लेकिन सभी भारतीय जो हमारे साथ जुड़े थे, सबकी नजर अभी अमेरिका के नतीजों पर है। जो जिस भी तरफ का हो, दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। धन्यवाद आपका, हमारी नजर रहेगी इस खबर पर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।